विश्वविद्यालय में अब आईएएस और आरएएस जैसी प्रतियोगिता परीक्षाओं की फ्री क्लासेस लगेंगी। जी हाँ, यूनिवर्सिटी के एपीटीसी सेंटर में ये कक्षाएं संचालित होगी और यहीं से प्रदेश के अन्य सरकारी कॉलेजों में भी सैटेलाइट कक्षाएं चलेंगी। एनएसयूआई के स्थापना दिवस के इस खास मौके पर प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ते हुए इसकी शुरुआत की। सरकारी योजनाओं से जुड़ने के लिए 24 अप्रैल से विशेष शिविर लगाए जाने का जिक्र करते हुए एनएसयूआई से भी सहयोग की मांग की। राजस्थान विश्वविद्यालय में बीते 44 वर्षों से चल रहे एपीटीसी सेंटर का अब 21 लाख से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री महेश जोशी ने एनएसयूआई के स्थापना दिवस के मौके पर विधायक कोष से ये राशि देने का ऐलान किया। वहीं राजीव गांधी वेलफेयर सोसाइटी की पहल पर इसी एपीटीसी सेंटर से विश्वविद्यालय सहित प्रदेश भर के सरकारी कॉलेजेस में सैटेलाइट कक्षाओं की शुरुआत की गई। हालांकि नियमित कक्षाएं यूनिवर्सिटी के एग्जाम हो जाने के बाद 1 मई से लगेंगी। इस मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में अशोक गहलोत भी जुड़े। जब 6 विश्वविद्यालय थे राजस्थान में, आज 91 विश्वविद्यालय खुल चुके हैं राजस्थान के। 91 विश्वविद्यालय खुल चुके। पहले हमारे बच्चे जाते थे पूना के अंदर पढ़ने के लिए, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में। जब से मैंने अलाउ किया प्राइवेट सेक्टर को राजस्थान में, मुझे खुशी है कि अब तो हर जिले में, प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज, एक आईटीआई, नर्सिंग कॉलेज खुल रही है पूरे प्रदेश के अंदर। तो शिक्षा को लेके बहुत बड़ा जंप हुआ राजस्थान के अंदर। वाइस चांसलर अभी जैन साहब ठीक कह रहे थे कि अब बच्चे बाहर के यहाँ पढ़ने को आते हैं। इस दौरान उन्होंने अनुप्रति योजना के तहत 30,000 निर्धन छात्रों को दी जा रही कोचिंग क्लासेस, 500 छात्रों को विदेश भेजने का फैसला, बुजुर्गों और निशक्त जनों को पेंशन, महिलाओं के लिए उड़ान योजना, प्रदेशवासियों के लिए चिरंजीवी बीमा योजना का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री से मांग की है कि पार्लियामेंट में राइट टू सिक्योरिटी एक्ट लेकर आए। हमने 5 साल के अंदर इस टर्म में, मैंने 5 साल के अंदर 303 कॉलेज खोल दिए। नंबर एक कहाँ तो 250 कॉलेज 70 साल में, और कहाँ इन 5 साल में मैंने 303 कॉलेज खोली है। 130 कॉलेज गर्ल्स की उसके अंदर है। तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा जंप राजस्थान में हो रहा है। इस प्रकार से हम लोगों ने शिक्षा को और स्वास्थ्य को, दो क्षेत्रों को लेते हैं। मेरा मानना है कि किसी भी प्रदेश के अंदर अगर सरकारें शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान देगी, अगर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा प्रदेशवासियों का, शिक्षा अच्छी उपलब्ध होगी उनको, तो बाकी का वो स्वतः कर लेंगे। इससे पहले कैबिनेट मंत्री महेश जोशी ने राजस्थान विश्वविद्यालय में संचालित एपीटीसी सेंटर के लिए 21 लाख रुपए और इसी तरह हवा महल विधानसभा क्षेत्र में संचालित 5 सरकारी महाविद्यालयों के लिए भी 21-21 लाख रुपए विधायक कोष से देने की घोषणा की। इस दौरान यूनिवर्सिटी के विवेकानंद लोन में सीएम अशोक गहलोत की जर्नी और उनके कार्यकाल में शुरू की गई योजनाओं को प्रदर्शनी के माध्यम से भी दर्शाया गया। अशोक गहलोत जी का जो जीवन, उनका जीवन युवाओं के लिए संदेश। महात्मा गांधी से एक बार किसने पूछा था कि युवाओं के लिए आपका क्या संदेश देश के युवाओं को, तो महात्मा गांधी ने कहा था मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। उस बात को सर्वाधिक आत्मसात करने वाला है, उस संदेश को अपने जीने का आधार बनाने वाला कोई व्यक्तित्व अगर आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के समय में, इसको हम ये कह सकते हैं कि सर्वाधिक गांधी जी को फॉलो करने वाला, गांधी जी गांधीवाद को फॉलो करने वाला कोई व्यक्तित्व है, तो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का व्यक्तित्व है। और जब उनके जीवन का चित्रण प्रदर्शनी के माध्यम से किया जाए, फोटो प्रदर्शनी के माध्यम से किया जाए, तो निश्चित रूप से ये प्रेरणादायी है। मैं सभी जो नौजवान हैं, जो छात्र हैं, आज एनएसयूआई के स्थापना दिवस के अवसर पर मैं सभी से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि जिन सिद्धांतों को, जिन तरीकों को अशोक गहलोत जी ने जिया है, उन तरीकों से प्रेरणा लें और उन तरीकों को समझने के लिए
अगर सर्वाधिक कोई सरल और व्यापक कोई तरीका हो सकता है तो गांधीवाद को पढ़ना, गांधी जी को पढ़ना। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का सदैव से ही ये ध्येय रहा है कि हर छात्र तक सुलभ शिक्षा पहुंचे, अच्छी शिक्षा पहुंचे, हर छात्र जागरूक हो, शिक्षित हो और अपने मन के अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो पढ़ाई वो करना चाहता है उसमें आ रही ज़्यादा से ज़्यादा बाधाओं को दूर किया जाए। अभी वर्तमान में आप देख सकते हैं कि देश भर में कोचिंग को लेकर किस तरह का एक खौफ का माहौल छात्रों में बना हुआ है। छात्र बड़ी बड़ी महंगी महंगी कोचिंगों की महंगी फीसें नहीं भर पा रहे हैं। इन परिस्थितियों में हमारे साथी देव अमित जी ने राजीव गांधी वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से एक पहल उन्होंने शुरू की। उस पहल के साथ एनएसयूआई परिवार ने जुड़कर उस पहल को एक मूर्त रूप देने का प्रयास किया है और वो प्रयास आज इस कार्यक्रम के शुभारंभ तक पहुंचा। प्रदेश के जननायक आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। राजस्थान विश्वविद्यालय ने एपीटीसी सेंटर में हमें कक्ष उपलब्ध करवाया है। एनएसयूआई के आज 53वें स्थापना दिवस पर सीएम ने कहा कि एनएसयूआई का जो पौधा रोपा था आज वो वटवृक्ष बन गया है। ऐसे में उन्होंने 24 अप्रैल से प्रदेश की नई योजनाओं से जुड़ने के लिए शुरू होने वाले विशेष शिविर से लोगों को जुड़ने के लिए एनएसयूआई का आह्वान किया। फर्स्ट इंडिया के लिए भारत दीक्षित की रिपोर्ट।